ये शैम्पू है हमारा, तो पहले हम अपनी बंदी को जो हमारी बंदी उसका शैम्पू से लाएंगे। देखो कितना महंगा शैम्पू है, क्योंकि कंडीशन में जाग नहीं होती। आप ये नहीं समझना कि झूठी बोल रहा है ये। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष पिंदरा ब्लॉग। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? तो आज का ब्लॉग होना चाहिए वाला है, आपको पता है मैंने कितनी ट्रिप किया और मैंने कितना ट्रैवल किया अपनी स्कूटी पर। अनूपपुर गया था, भागुआ गया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो इसके कारण ना मेरी स्कूटी बेहाल बहुत गंदी हो गई, बहुत दिन से मैंने धोई नहीं हुई है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपनी बंदी को किस तरीके से धोता हूँ और किस तरीके से साफ़ करता हूँ, इतने टाइम के बाद कैसे साफ़ करते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना यार, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना यार। आप वीडियो देख रहे हो बट लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी पहला हमारा स्टेप होगा, हम अपनी बंदी को पहले शैम्पू से, आप देख रहे हो शैम्पू, ये शैम्पू है हमारा। तो पहले हम अपनी बंदी को जो हमारी बंदी उसका शैम्पू से लाएंगे। देखो कितना महंगा शैम्पू आप देख रहे होंगे, तो पहले हम उसको अपने शैम्पू से लाएंगे। तो पहला स्टेप ये आएगा, तो पहले हम अपना पानी स्टार्ट करते हैं, पहले पानी से वॉश करते हैं स्कूटी को, फिर तो शैम्पू से धुलाते हैं, ठीक है। तो गाइस पहला स्टेप हमारा रहेगा पानी डालना, पहले हम वॉश कर दी इसको थोड़ा सा जितना गंदा था। अब दूसरा स्टेप रहेगा हम इसको महंगा वाला शैम्पू डालेंगे अपनी गंदी को। तो पहले हम इसको शैम्पू को डालते हैं इसके अंदर, इसको अच्छे से घोलेंगे, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में, तो उसको तो घोलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको, ठीक है। हमने शैम्पू ले लिया और शैम्पू का जार बन गया बहुत ज़बरदस्त वाला, इसमें मैंगो वाला शैम्पू डाला आपने देखा ही होगा, तो जाग बनेगा। अब स्कूटी को अच्छे से साफ करते हैं। शैम्पू के हमें कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो कपड़ा जरूर रखना, कपड़े के बगैर तो कुछ नहीं होगा भाई। तो हम इसको स्कूटी को अच्छे से साफ करते हैं, ठीक है। तो क्या है शैम्पू इतना महंगा लगा कि तब मेरी स्कूटी अभी चमक रही है। तो पहले हमने शैम्पू यूज़ किया, अब उसको पानी डाल रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपके सामने कंडीशनर है, ठीक है, और आपने लेना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कॉस्मेटिक किसी भी कॉस्मेटिक में तो मिल जाएगा। आप अपनी बंदी को दूसरा पार्ट में कंडीशनर लगाएंगे, तो बने रहें। पहले मैं अच्छा साफ करता हूँ, कोई भी इंसान अपनी बंदी को इतना करता है, मैं करता हूँ कंडीशनर लेते हैं, क्योंकि कंडीशनर में जाग नहीं होती। आप ये नहीं समझना कि झूठी बोल रहा है ये, हमें पागल बना रहा है, बट हम कंडीशनर डाल रहे हैं आपके सामने। कंडीशनर डाल रहे हैं, देखो आपके सामने हाथ में रखे हुए कंडीशनर डाल दिया, इसको मैं डाल दूँ, ठीक है। अब कंडीशनर का जाग नहीं हो, बट कंडीशनर हम लगाएंगे अपनी बंदी को और बंदी को चमकाएंगे। तो गाइस सबसे हम कंडीशनर लगा रहे हैं, देखो कंडीशनर फाइनली मैंने कंडीशनर भी यूज़ कर दिया, अच्छे से कंडीशनर लगा दिया मैंने अपनी बंदी को। अब इसको अच्छे से धोएंगे। तो गाइस आप देख लो मैंने स्कूटी अपनी साफ कर दी, बिल्कुल साफ, आप स्कूटी तमाम तम हो गई। बंदराल और यहाँ पे जिन्होंने इसको साफ़ किया है वो इनके मालिक यहाँ पे सामने है, हर्ष बंदराल। और आप स्कूटी का बैक साइड देखिए, ये हम आपको बैक साइड दिखाएंगे स्कूटी का। स्कूटी एकदम चमाचम धमाधम अपनी चाल में चमकती है। आपके एक फेस की स्माइल के लिए मैंने सब कुछ किया, ऐसी वीडियो बनाई है। ना मैंने शैम्पू यूज़ किया और ना ही मैंने कंडीशनर यूज़ किया, तो सिर्फ सर्फ लिया था और सर्फ की झाग से मैंने स्कूटी शॉप की बनाई, एक फ़नी वीडियो बनाई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यार दिखाना, जोर दिखाना यार प्लीज़ वीडियो को। तो हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, प्यार दिखाना। आप सब जने वीडियो देख रहे हो बट लाइक नहीं कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, मतलब ऐसे ऐसी वीडियो मैं लाते रहूँ आपके लिए।
से दुनिया के मुँह आवाज से दूर आओ, चिल रहो, मस्त रहो। तो ऐसे वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।